अमीर वालों की क्या दर है, ये टैग लगे हुए हैं इनके अपने वाला है, ये वाला हाँ ये 80 रुपए का बैग, 80 का बैग है ये वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं YouTube पे अदनान JPK। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, किस लिए वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हमारे इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, मैं आप आज अपने गाँव से शहर शुजाबाद में आया हूँ, और किस लिए आया हूँ ये भी मैं बताऊँगा। पहले जो नए आने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को ऑल कर दें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वैसे तो आप जानते हैं 14 अगस्त की तैयारियां जोश व खरोश के साथ हैं, छोटे बच्चे बहुत ही पुरजोश खुश हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो ये खुशी है बहुत ही ज़्यादा होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता है कि हम जब छोटे होते थे तैयारियां वगैरह करते थे, झंडियां वगैरह लेते थे, बैज वगैरह लेते थे और अपने स्कूलों घरों गलियों को सजाते थे, तो इसी तरह आज भी ये छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये हैं 14 अगस्त की तैयारियों के सामान। तो ये देखें, ये जो मुख्तलिफ इन्होंने रेट कीमतें वगैरह लगा रखी थी, जो मैंने सोचा कि उन्हें यहाँ इस शॉप में जाके देखते हैं कितने का सूट दे रहे हैं यहाँ पे। तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने सेल लगा दी थी 200 200 200, और जो बड़े कपड़े वगैरह सूट थे इनकी इन्होंने 500 से 800 900 हज़ार तक लगा रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन भाईजान से पूछें कि क्या ये कुछ दिन तक के या 14 अगस्त तक होगी। उन्होंने कहा 14 अगस्त तक होगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो 14 अगस्त में से तकरीबन 7 दिन रहते हैं, तो बहुत ही जोश खरोश के साथ तैयारियाँ हो रही है। यहाँ से हमने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे रजाइयों के लिए, शादी की तैयारियाँ हैं, मेरी शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। भाई क्या करें, यहाँ गांव में जल्दी शादी हो जाती है। पहले मैंने तो सोचा था कि शादी नहीं कहा नहीं शादी करें, और तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ से भी हमने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे, कि मुख्तलिफ शो वगैरह से हमने मुख्तलिफ कीमत के और मुख्तलिफ कलर खूबसूरत डिज़ाइन वगैरह के कपड़े वगैरह ख़रीदे, ठीक है, ताकि मुख्तलिफ दुकान पे जाएंगे मुख्तलिफ रेट मिलेगा, कोई कम करेगा, और ऐसे ही करना चाहिए। हमें एक शॉप पे नहीं जाना चाहिए, मुख्तलिफ कीमत का पता करें, और जहां मुनासिब कीमत से चीज़ मिले वहां से ख़रीद लेना चाहिए। तो यहाँ से हमने रजाइयों के कपड़े ख़रीदे, ठीक है, यहाँ से ख़रीदने के बाद फिर हम जाएंगे आगे, वहाँ पे देखेंगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये इस शो पे ना बहुत ही महंगे दे रहे थे, तो हमने यहाँ से नहीं ख़रीदे, हम आगे चले गए ताकि कोई अच्छी सी शॉप देखें जहाँ मुनासिब रेट और खूबसूरत कपड़े वगैरह हों। तो यहाँ इसे हमने स्किप कर दिया, तो जैसे मैं देखें आगे पहुँचा और यहाँ पर सजी हुई थी बाजार, क्योंकि ये बाज़ार मुख्तलिफ इनमें फ्रूट वगैरह, और क्योंकि ये लंबी कतारों में देखें रेड़ी वाले खड़े हैं, क्योंकि ये मज़दूर अपनी हर कोई रोज़ी कमाने के लिए आता है। तो आज का सीन बहुत ही कमाल होगा, आगे आपने देखना है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वैसे आज का व्लॉग बहुत ही कमाल बना था आज। तो मैं यहाँ से देख रहा था कि कौन सी चीज़ को पहले अपने व्लॉग में शामिल करो, तो मुझे नज़र आए पाकिस्तान के खूबसूरत झंडे, तो मैंने क्यों ना पहले ही जो हमारे कायद हैं तो उनकी पिक्चर को मैं व्लॉग में शामिल करूँ। तो ये देखें, यहाँ 14 अगस्त की तैयारियों में सभी मसरूफ़ हैं, कोई क्या ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। मैंने यहाँ से पूछा कि भाई ये कितने के देंगे हमें, तो कहने लगा एक है 50 का, एक 100 का, एक 80 का, 200 तक के बैज ये दे रहे थे। मैंने कहा यार बहुत ही महंगा है, मेरे लिए तो कुछ कम करें, व्लॉगिंग करता हूँ और व्लॉग बनाता हूँ।
तो कहने लगे भाई व्लॉग बनाते हो तो खुद पैसे कमाओगे, मेरे लिए थोड़ी बना रहे हो। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे मैं जा रहा था कुछ मुख्तलिफ शॉप पे, मैंने कहा एक शॉप पे ना रुकूँ, तो इसके इन्होंने बताई 50। मैंने कहा यह ठीक है, और मैंने कहा आगे जाके देखूंगा कौन कौन सी चीज़ कितने की है। तो कुछ सामान मैंने भी अपने छोटे भाई बहन के लिए लिया यहाँ से। मैंने कहा अच्छा नहीं कि अगर मैं कीमत वगैरह पूछूं ना लूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से कुछ छोटा सा सामान मैंने ख़रीदा अपने लिए, एक बैच ख़रीदा ठीक है, ताकि वो भी सोचें कि इस चीज़ लेने आया है, ऐसे ना करें कि चीज़ों का रेट पूछने के लिए आया था। आज का व्लॉग इस तरह मैंने बनाया कि ये मुख्तलिफ खूबसूरत रंगीन नज़ारे थे। तो ये भाई कहने लगे थे कि आप के चैनल का नाम क्या है, मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। फिर मैंने कहा ADJP के, कहते हैं कि ये कौन सा नाम है, मैंने कहा नहीं यार अदनान JP के व्लॉग है मेरा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल कर दें। उसने कहा ठीक है। और यहाँ से हम कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए फिर वापस आए थे, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने जब हम शहर में आते हैं तो कुछ भूल जाता है, कुछ याद आता है, तो जो जो हमें भूल गए थे वापसी हमने फिर दोबारा ख़रीदे, ताकि हम इतना दूर 20-25 किलोमीटर दूर सफ़र करके आए हैं शहर में, तो सारा सामान एक बार ही ख़रीद लें। यहाँ हमने रेस्ट किया ठीक है, यहाँ से फालूदा खाया, फालूदा खाने के बाद फिर जो शॉपिंग करनी थी वो की। मैंने कहा क्यों ना शॉपिंग तो होती रहेगी, कुछ पेट पूजा हो जाए वरना हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बंदा थक जाता है, अगर थक गया तो फिर काम वगैरह नहीं होता। यहाँ से आखिरी हमने सूट ख़रीदा, ये सूट भाई अहम है किसी के लिए, जिसके लिए अहम होता है भाई ये सूट ख़रीदने के लिए बहुत ही बहस हुई कि हमने कहा ये नहीं ये नहीं, तो इसने भाई जान ने सब सूट दिखाए, मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ डिज़ाइन के दिखाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा यार कितने का दे रहे, कहते आप सब आपके लिए 1200 है। मैंने कहा यार ये इनमें क्या खूबी है कि ये 1200 के, कहते हैं ये बस आजकल जो महंगाई के दौर में बस आपके लिए 1200 है, वरना हम 1500 का दे रहे थे। मैंने कहा यार नहीं कुछ कम करे, तो उन्होंने 1100 किया बड़ी मुश्किल से, 100 उन्होंने रियायत की, वरना ये भी नहीं करा। कहते हैं इतनी बड़ी महंगाई में दुकान का किराया बिल वगैरह देना होता है। मैंने कहा ठीक है आप जैसा आपको जैसा मुनासिब लगे तो आप कीमत कम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको अब 1100 दूंगा। जैसे हम बाहर निकले तो ये देखा सारी मार्केट खाली हो चुकी थी, गवर्नमेंट वाले आ चुके थे, क्योंकि ये जो सड़क गवर्नमेंट की है ये रेडी वाले यहाँ अपनी दुकानें वगैरह लगा लेते हैं, तो सभी आए, उन्होंने गवर्नमेंट वालों ने सबकी दुकानें ख़त्म की, जो सामने आते गए उनके सामान उठा के उन्होंने पता क्या किया, ये जो ट्राली ट्रैक्टर ट्राली है ना जा रही इसके अंदर डालते गए। अब जो खड़े थे ये और गली वगैरह में ले कर चले गए अपनी रेडी वगैरह, ताकि ये भी यार मजदूर हैं खरीदने से, तो मैं सोच रहा था क्योंकि ये रास्ता वगैरह दोनों साइड पे इधर और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे रास्ता रखा हुआ था, बीच में खड़े तो कुछ नहीं होता यार, वो भी मजदूरी करने के लिए बहुत ही सफ़र करते हैं। बस या गवर्नमेंट को चाहिए एक मार्केट बनाए ताकि डेयरी वाले अलग खा सके, चाहे उनसे ये किराया भी लें, लेकिन ऐसा ना करें कि उनकी चीज़ें वगैरह तोड़ दें, या जब ये ले कर जाएँगे ट्राली वगैरह में तो चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो जो मज़दूर होगा वो क्या करेगा जो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें इकट्ठी करते सामान वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ आज का भी लोग आपको आप सब दोस्तों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को ऑल कर दें, हर आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर देखा करें। तो ये देखिए ये ट्रॉली सारा सामान लेके जा रहे थे, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, अल्लाह सबको अपने दर से दे।